सबसे पहले हम पिज़्ज़ा बेस के लिए डो रेडी करेंगे। गेहूं का आटा ले रही हूँ मैं, नमक, शुगर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इस पे हम ऐड करेंगे दही। मैंने यहाँ पे 1/4 कप दही लिया है। अगर तो दही खट्टा है तो 1/4 कप आपने लेना है, अगर दही नॉर्मल है खट्टा नहीं है तो आपने फिर 1/2 कप लेना है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और पानी की हेल्प से हम इसका एक सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। लास्ट में थोड़ा ऑयल लगाएंगे इसमें और अच्छे से ऑयल को भी इसके साथ हम मिक्स कर लेंगे। दो तीन मिनट इसको अच्छे से हम गूंद लेंगे। रेडी है डो। अब इसको हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे और हम अब पिज़्ज़ा सॉस रेडी करते हैं। एक पैन में लेंगे हम ऑयल, ऑयल को अच्छे से हम गरम कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे अनियन। आपको मीडियम फ्लेम पे इनको कुक करना है, बीच बीच में इसको आपको चलाते रहना है। अनियन हमारे कुक हो गए हैं, इनका कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे गार्लिक। लहसुन को भी हम अच्छे से 1-2 मिनट तक कुक करेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे टमाटोस, तो इनको भी आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फ्लेम को मीडियम ही रखना है आपने। अब इसमें डालेंगे नमक। अब इनको अच्छे से हमने कुक करना है। हम इसको कवर करके कुक करेंगे, फिर जल्दी हो जाएंगे टमाटर कुक हमारे। 2-3 मिनट बाद आपको इसको चेक करना है। अभी हुए नहीं है ये, तो फिर से हम कवर कर देंगे इनको, चेक करेंगे फिर से। देखिए ऑलमोस्ट हमारे हो गए हैं ये टमाटर कुक। अब इसमें हम ऐड करेंगे शुगर, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर और इन सब मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1-2 मिनट तक इसको कुक करेंगे। ये हो गए हैं कुक। अब इसको हम ठंडा करेंगे, फिर ग्राइंड करेंगे। जब तक वो ठंडा हो रहा है तब तक हम जो वेजीज हैं उनको सौते करते हैं। एक पैन में ऑयल लेंगे, गरम करेंगे और इसमें डालेंगे कैप्सिकम एंड अनियन। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इनको हमने कुक करना है, और इनको हमें पूरा कुक नहीं करना, 1/2 कुक करना है। आप अपने मनपसंद की वेजेस इसमें ऐड कर सकते हैं। जब ये 1/2 कुक हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे टमाटोज और बॉयल की हुई कॉर्न। मैंने डाल दिए दोनों।
अब इनको भी हम एक दो मिनट के लिए कुक कर लेंगे। टमाटोज को हमें इतना कुक नहीं करना, बस एक दो मिनट काफ़ी है। और इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो, मिक्स कर लेंगे और हल्का सा नमक डालेंगे इसमें। और इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करके एक दो मिनट तक हम इसको कुक करेंगे। ज़्यादा कुक नहीं करना है आपको। बस ये हो गए हैं रेडी हमारे। सॉस भी हम कर लेते हैं रेडी, ग्राइंड करेंगे। ठंडे हो गए हैं सब, ये ग्राइंड हो गया, रेडी है हमारा सॉस। आटा भी इधर सेट हो गया है और तवा हमने गरम करने के लिए रख दिया है। अब इस आटे को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब रोटी की तरह इसको हम बेलेंगे। अगर आपको थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा पसंद है तो आप जो बेस को थिन रखिए, अगर आपको दूसरा पसंद है नॉर्मल वाला बेस तो आप थोड़ा इसको मोटा रखिए। अब इसमें हम फोक से होल कर लेंगे सब जगह। अब तवे पे डालेंगे और हमने फ्लेम को लो मीडियम रखना है। अच्छे से इसको अंदर से हमने कुक करना है। देखिए जो इसके ऊपर थोड़े बबल आने स्टार्ट हो गए हैं। देखिए ये दिख रहे हैं बबल्स, तो अब हम इसको पलट देंगे और दूसरी साइड को कुक करेंगे। अभी दूसरी नहीं हुई है पूरी तरह से, तो हम फिर पलट देते हैं। तो अच्छे से आपको कुक करना है। इतने आटे में आपके दो पिज़्ज़ा बेस बन जाएंगे, और जो हमने सामान रेडी किया उसमें दो पिज़्ज़ा बनेंगे। अब हमने ओवन अपना तैयार किया है, कढ़ाई में सॉल्ट रखा है और इसको हमने बंद कर देना है। और इसको हमने पूरा मतलब कि हाई फ्लेम पे हीट करना है उसको। जब तक वो हीट हो रहा है हम पिज़्ज़ा बेस के ऊपर टॉपिंग्स लगा लेते हैं। ऊपर हम स्प्रेड करेंगे हमने जो बनाई है सॉस, और उसके ऊपर लगाएंगे हम पिज़्ज़ा चीज़। आप घर पे भी पिज़्ज़ा चीज़ बना सकते हो, बाज़ार से भी ले सकते हो। तो सबसे पहले बेस पे हमने लगाया सॉस, फिर लगाया हमने चीज़, और फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे वेजेस। वेजिस आप अपनी मन पसंद की ले सकते हो। टमाटोज भी लगा देंगे, कैप्सिकम लगा दी है, तो पूरा इसको हमने कलरफुल बना देना है। अनियंस भी लगा देंगे। अभी लास्ट में कॉर्न सब जगह स्प्रेड कर देंगे हम। उधर जो हमारी कढ़ाई है वो भी अच्छे से पूरी हीट हो चुकी है, तो उसको फुल फ्लेम पे ही आपको गर्म करना है। तो अच्छे से उसका ढक्कन भी गर्म हो जाएगा और अंदर से भी अच्छे से गर्म हो जाएगी। अब हम वेजेस लगाने के बाद ऊपर से भी चीज लगा देंगे। और साइड में जो बचा है थोड़ा थोड़ा जगह, तो उस पे हम ऑयल लगा देंगे ताकि वो भी अच्छे से क्रिस्प हो जाए।
अब एक प्लेट लेंगे, उसको ग्रीस करेंगे। इस पे हम जो अपना पिज़्ज़ा रेडी किया है वो रखेंगे और फिर ये जाएगा हमारा कढ़ाई में, अपना प्री हीटेड अवन जो हमारा कढ़ाई है। ध्यान से उठाना है, बहुत गर्म है, और बड़े ध्यान से इसको आपने अंदर रखना है और एक स्टैंड रख लेना है आपने गर्म करने से पहले। हाँ, तो ध्यान से रखना है। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। अगर 10 मिनट्स में आपका ये आपको लगता है कि आपने और क्रिस्प करना है तो 5 मिनट आप और कर लीजिए, लेकिन आपको बीच में चेक करना पड़ेगा, ऐसे ना हो ये ओवर कुक हो जाए कहीं तो ये फिर जल भी सकता है। देखिए, ये मेरा पूरा अच्छे से कुक हो गया है, इसको मैंने निकाल लिया है। देखिए, आपको पास से दिखाती हूँ, आप भी बनाइए घर पे, बच्चों का तो ये फेवरेट है और बड़ों का भी। थैंक यू।